ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। हरिद्वार में कांवड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन। जो फैसला 3 तारीख को आना था वो आज अचानक ही आ गया। तो ये फैसला क्यों अचानक आया है और क्यों बैन लगा दिया एकदम से, तो जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। और इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना होगा। इस चैनल पर आपको देवघर और श्रावणी मेला और हरिद्वार से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को इसकी जानकारी हो सके। और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं आप कांवड़ यात्रा लेकर अपने निवास स्थान से कहां तक जाते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आपको पूरी जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं क्यों इस पर बैन लगा है। हरिद्वार कांवड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन। घुसे तो अपने खर्च पर 14 दिनों के लिए होंगे क्वारंटीन। इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि उत्तर भारत की कांवड़ यात्रा इस बार प्रतिबंधित है, जिस यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा सैकड़ों बैठकें ली जाती हैं, आज उसी यात्रा को प्रतिबंधित रखने के लिए हरिद्वार जिले ने जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर तथा हरियाणा प्रदेश के कर्नल और यमुनानगर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय बैठक आयोजित की, जिसमें सभी जिले के अधिकारियों ने कांवड़ मेले के लिए प्रतिबंध को पूर्णतः उचित माना है। बता दें कि कुछ दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर इस साल कांवड़ यात्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए प्रशासन को जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के मद्देनजर सभी जिले के प्रशासन की और एक बैठक आयोजित की गई। अगर सरकार के फैसले का उल्लंघन किया कांवड़ियों ने तो 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। जिलाधिकारी की हरिद्वार सी रविशंकर ने कहा कि यदि कोई भी श्रद्धालु कांवड़ यात्रा का और गंगा जल भरने के उद्देश्य से हरिद्वार में पकड़ा जाता है तो उसके लिए प्रशासन द्वारा उसको अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा इस पर आने वाला व्यय भी पूर्णतः उसी व्यक्ति से ही वसूला जाएगा। इस पर अन्य जिलों के सभी SSP ने अपने यहाँ सभी से वाहनों की कड़ी चेकिंग शुरू कर लिए जाने की बात कही। वहीं अन्य जिलाधिकारियों ने भी कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी वाहन या पैदल कांवड़ और गंगा जल के साथ पकड़ा जाएगा तो उसे वापसी करते ही गृह जनपद में भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। कांवड़ बेचने पर भी होगी कार्रवाई। सभी पुलिस अधीक्षकों ने इस बार यात्रा मार्गों में किसी भी प्रकार के राहत शिविर भंडारों के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिए जाने की भी जानकारी दी है। किसी भी सामाजिक संस्था द्वारा इस प्रकार के आयोजन नहीं किए जाएंगे, कहीं पर भी कांवड़ बाजार नहीं सजेंगे और यदि कोई कांवड़ बेचते हुए पाया जाता हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित की गई थी। सावन के महीने में पवित्र गंगा जल लेने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ियों के हरिद्वार आते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस संबंध में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी और उन्होंने साथ में ये भी कहा अगर कोई भी श्रद्धालु कांवड़ ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उस पर आने वाला खर्चा उसी से ही वसूला जाएगा। तो दोस्तों, सरकार द्वारा अचानक किए गए इस फैसले से यानी कांवड़ यात्रा बैन के फैसले से आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या इस साल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए थी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ हमें यह भी बताएं आप कहां से कहां तक कांवड़ यात्रा करते थे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें। अगर कोई भी ऐसा फीडबैक आता है हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। तो हमारे चैनल से के साथ जुड़े रहें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक और ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अब हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।